بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله او ادعو الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا الاسلام واتم علينا النعمه वसलासला नबी व रसूल महमदिन नबी तो फ़कत कलामीदन हमारी ये सीरीज जिसमे हम अल्हबमीन के असम वफ़ात के तल्लु से कुछ कवायद देख रहे थे कुछ जबते देख रहे थे आज की आज इसी सीरीज के हिस्से में हम जब्ते शुरू करेंगे सबसे पहले हम जान कि कायदे और ज़ब्ते में क्या फर्क होता है अब से पहले हमने उनतीस कायदे देखे हैं जिसमें से दस कायदे अल्लाह रबालमीन के असमा और सिफात के बाब में इस्ताल किस तरह से करे और हदीस से जो दलीलें हैं उसे हम किस तरह से समझे उससे ताल्लुक़ रखते थे उसके बाद हमने सात कायदे देखा जो अल्लाह रब्बालमीन के आसमा से तालुक़ रखते थे उसके बाद हमने बारह कायदे देखा जो अल्लाह रब्बालमिन के सिफ़ात से ताल्लुक रखते थे और आज से हम इन श्लाबीन की सिफात से ताल्लुक रखने वाले कुछ जबते देखेंगे और जबते और कायदे में क्या फर्क है कायदा ताल्लुक रखता है एक बाप से मिसाल के तौर तो पर अल्लाह रबालमीन के असमां का बाप तो उससे ताल्लुक रखते हैं कवायद अब उसके अंदर जो जो चीजें आती हैं जो जो मुख्तरा हम देखते हैं वो कायदे कहलाते हैं अल्लाह रब्आलमिन की सिफात का बयान तो उसके अंदर जो जो काय जो जो उसूल हम देखते हैं उन्हें कायदा कहते हैं और जाप्ता किसे कहते हैं जाप्ता कहते हैं कि अल्लाह की सिफात में कोई एक ख़ास सिफत उसके ताल्लुक से जो उसूल मिलते हैं मिसाल के तौर पर अल्लाह रबाज से हम जो जाप्ता शुरू करेंगे वो अल्लाह रब्लमिन के कलाम की सिफत से ताल्लुक़ रखता है तो अल्लाह रब्आमिन के कलाम की सिफत से ताल्लुक़ रखने वाले जो जो उस हमें कुराना और अहादिश से मिलते हैं और जो सेल्फ से हमें मिलते हैं वो उ क्या कहलाते हैं ज़ाबते कहलाते हैं और जो मुकम्मल एक बाप से ताल्लुक रखता है वो कायदा कहलाता है तो इनशाजी आज से हम आज हम अल्लाह आलमीन के कलाम कला आलमीन कलाम करता है अल्लाह आलमीन बात करता है इससे ताल्लुक रखने वाले पांच जबते देखेंगे उनमें सबसे पहला जबता और हम ये अल्लाह हम ये जबते जो देखेंगे उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज के दौर में बहुत ही कम पाई जाती है लेकिन सल्फ और अहल सुन्ना वजमा का अकीदा है इसलिए हमें जबता समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अबिल आखिर अल्लाह रबालमीन के कलाम के अंदर जो जो बातें पिछले जमाने में सल्फ के जमाने में जो जो मुसीबतें उन लोगों ने झेली मिसाल के तौर पर इमाम अहमद बिन हम रहमत को मारा जाता था इसलिए कि वो ये कहते थे कि कुरान अल्लाह रबालमीन का कलाम है वो गैर मखरूक है और सल्फ का भी अकीदा है सहाबा इक्राम का भी अकीदा था कि कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है वो गैर मखलूक है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत है वो पैदा नहीं हुई है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे बनाया नहीं है बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताती सिफत है लेकिन मौतजिला और जहमिया इन लोगों ने क्या कहा कि कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो कलाम है वो क्या है वो मखलूक है अल्लाह रब्बुल आलमीन के अंदर जो बात करने की सिफत है वो मखलूक है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की धती सिफत नहीं है बल्कि अहलुस नावल जमाअ का अकीदा उसके खिलाफ है वो क्या है ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कलाम करता है जो बात करता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत है और वो गैर मखलूक है इसी तरह से कुरान जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम से निकला हुआ कुरान है तो कुरान भी क्या होगा गैर मखलूक होगा अब इसके अंदर कई सारी बातें आती हैं जो हमारे जहन में भी एक इश्काल पैदा कर सकते हैं और वो तमाम इश्काल और वो जो तमाम वहम हमारे जहन में बातें पैदा होंगी वो जो वह जो जो अहम आवा, हमारे जहन में पैदा होंगे वो इन कायदों से इन अजीज दूर होंगे तो सबसे पहला कायदा कि मुसम्मल कलाम लफ्ज वफ माना जमीन और जहमिया का क्या कहना था कि अल्लाह रब्लम कलाम अल्लाह रब्लामी की सिफत कलाम है ही नहीं बल्कि अल्लाह ये जो कलाम है ये मखलूक है अल्लाह रब्लम का जो कलाम है ये मखलूक है और वह दलील क्या देते थे कि हरूफ और सौद ये दोनों क्या है मखलूक है तो जो चीज हरूफ और सौत से मिलकर बने यानी कलाम तो वह भी क्या होगी मखलूक होगी तो इसलिए उन लोगों वो लोग ये कहते थे कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा इस्लाम से बात किया मूसा मूसालाम से कलाम किया तो गोया क्यों काफिर है वो क्या कहते थे जहमिया का क्या कहना था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आवाज़ को दरख्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दरख्त को बोलने की ताकत दी जाहिर क्या होता है उनके इस बात से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुकम्मल तौर से कादिर नहीं है नौस और वो ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने, बो, अपने जो कुछ अल्लाह को कहना था दरख्त को तो दरख्त ने सलाम से बात किया नौजबिल्ला जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बजाते खुद कलाम किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद बात की है तो वो इसकी पर की हरूफ और ये मखलूक है और जिस जो चीज़ इन दोनों से मिलकर बने वो भी मखलूक होगी हालांकि असल्फ का क्या अकीदा है कि कलाम अल्लाह रब्लम की सिफत है और वो गैर मखलूक है जो अल्लाह रब्लम की सिफत कलाम है वो गैर मखलूक है अब हम देखे वो एक बात और कहते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बात करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इस अकीदे की हम तरदीद किस तरह करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो सिफत कलाम है मुसम्मल कलाम वा जमीन अब उन लोगों ने क्या कहा कि या तो अल्लाह तोअ रबालमिन किस कलाम की सिफत को मानो कि मखलूक है या फिर इस बात का इनकार करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम नहीं करता अल्लाह तो रब्बुल आलमीन बात नहीं करता जबकि हकी हकीकत यह है कि कलाम अगर कहा जाए मुसम्मल कलाम व लफ्ज व माना जमीन कलाम किसे कहते हैं लफ्ज और माना दोनों मिलकर कलाम अल्लाह एक बात पैदा होती है लफ्ज और माना मिलकर दोनों जब मिलेंगे तब ही बात पैदा होगी दोनों के बगैर बात नहीं हो सकता और बात नहीं हो सकती कलाम नहीं हो सकता इसी तरह से अगर कोई ये कहे कि कलाम सिर्फ लफ्स का माना है उसका लफ्स लफ्स पाया गया तो कलाम हो गया माना पाया जाए या ना पाया जाए तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है

कि और उन लोगों को डराओ जिन लोगों ने अल्लाह अबमीन के लिए लड़का बनाया उनको उस बात का इल्म नहीं है और ना ही उनके बाप दादा को इस बात का इल्म था कि वो लोग कितनी बड़ी बात कर रहे कबूरत कली मतन कितनी बड़ी बात कह रहे हैं तखरुजन अफवाहिम जो उनके मुंह से निकलता है इल्ला अल्लाबा और वो लोग सिर्फ और सिर्फ झूठी बात कर रहे अल्लाह अबी पर इल्ज़ाम लगा रहे यहाँ पर अल्लाह रब्लिन ने क्या कहा कि नसारा क्या कहते थे कि अल्लाह रबी ने बेटा जना है अल्लाह अब्बा आजमिन ने बेटा बनाया है वो तो उनका ये जो जुमला था अल्लाह आलमी ने इसको झूठ कहा क्यों झूठ कहा? क्योंकि उसके अंदर माना भी पाया जा रहा है कोई चीज़ उस नहीं हो सकती जब तक समझ में यहाँ तक कि उसका माना ना पाया जाए। तो वो अल्लाह का कलाम सुन ले तो जब अल्लाह रबुल आलमीन का कलाम है जो माने के और लफ्ज के साथ है और अल्लाह यहां पर भी आयत कहती है कि लफ्ज जो है जो नसारा ने बात कही थी कि अल्लाह ने बेटा जना है अल्लाह रबीन को बेटा है तो अल्लाहबूल आलमी ने, ने उनकी बात को क्या कहा झूठ कहा और झूठी बात कब हो सकती है जब उसके अंदर कोई मान ना पाया जाएगा जब तक माना ना पाया जाए हम फैसला कर ही नहीं सकते कि झूठ है कि सच है और अल्लाह रबूल ने उनके इस कलमे को उनके इस बात को झूठा कहा कब झूठा कहा जब उसके अंदर माना पाया गया तभी अल्लाह रब्लामी ने क्या क्या कहा कि उनकी बात झूठी है इसी तरह से अबू अब तवायत अल्लाह के रसूल वसलम ने फरमाया उम्मती फरमायाद असद बिहु हम ये जो कायदे देख रहे हैं ये तमाम कायदे मिलकर एक चीज हमें समझ में आएगी तो इन जब हम आगे के कायदे देखेंगे तो ये कायदा हमारे जहन में और ज्यादा वाजी हो जाएगा अबू हुर रजी तुम फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल वसलम ने फरमाया फरमायाजाली उम्मती मा हद असद बिहि कि अल्लाह रबालमी ने मेरी उम्मत को उन चीजों में माफ़ कर दिया है जो लोग अपने नफ्स में अपने अंदर बात करते हैं मालू भी जब तक कि वो लोग कलाम ना करें जब तक कि उनके मुंह से कोई लफ्ज और कोई माना ना निकले और या भी अमल ना कर ले जब तक कि आदमी बोल नहीं देता गाली वगैरह दे दे कुछ झूठ बात कहे तब जाकर उसे उसकी पकड़ अल्लाह रबीन करेगा या अगर उसने कुछ गलत काम कर दिया तब जाकर अल्लाह रबीन उसकी पकड़ करेगा तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के दरमियान फर्क किया कि जब तक कि वो लोग बात ना करें या अमल ना करें और इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पहले क्या कहा मा हद अनफुसहा जो लोग अपने अंदर अपने अंदर नफ्स के अंदर बात करते हैं उस पर भी उनकी पकड़ नहीं करेगा इसी तरह से अः सहाबी जलील अब्दुल्ला बिन मसूद रजील कहते हैं कबीर अब्दुल्ला बिन मसूद रजी तन इस आयत की तफसीर करते हुए कहते हैं कि यहाँ तक कि जब उनके दिल से खौफ को हटा दिया जाएगा उनके दिल में थोड़ा सुकून हो जाएगा मादा मददा खबुकुम तो वो लोग फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या कहा? अल हक फरिश्ते जवाब देते हैं हक बात कही वहू अल अली कबीर और अल्लाह रबालमिन बुलंद और बहुत बड़ा है तो यहाँ पर जब आसमान वाले अब्दुल्ला फरिश्ते मौजूद हैं जब उनको थोड़ा अल्लाह अबीन की आवाज़ खत्म होती है बात खत्म होती है और फरिश्तों को थोड़ा सुकून मिलता है वस का आवाज ठहर जाती है और लोग जानते हैं कि वो हक है मबिन जो उनके रब के पास से आया है नाद और कहते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या कहा वो लोग कहते हैं अल्लाह तो वाजे किया कि फरिश्ते बा, हैं रब जब बात करके है, कलाम करके है, तो तमाम फरिश्ते इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह ने जो बात कही वो क्या है हक है और कोई चीज हक कब होगी जब जब सुनेंगे सुनेंगे तो कोई लफ्ज ही होगा किसी बगैर लफ्ज के तो कोई चीज सुनी नहीं जा सकती इसी तरह दूसरी चीज़ कि जब वो लोग सुनेंगे और उसका कोई माना पाया जाएगा जब कोई माना पाया जाएगा तभी वो लफ्ज समझ में आने वाला होगा वही लफ्ज कहलाएगा और उसके साथ साथ माना पाया जाएगा तब वो फैसला करेगा कि ये हक है कि कदीब है जैसा कि अल्लाह अब्बुल आलमी ने फैसला किया कि उनकी बात झूठी है यहाँ फरिश्तों ने अल्लाह अब्बुल आलमी की बात के बारे में क्या कहा कि अल्लाह अबू आलमी ने हक बात कही तो कब ये फैसला होता है जब तक कि लफ्ज और माना दोनों साथ में ना पाया जाए इसी तरह से जहमिया एक बात और कहते थे यहाँ से हम दूसरा कायदा देखते हैं कि अलकलाम इन नमा मुक्त रबीन का जो कलाम है अल्लाह अल्लाहमी जो बात करता है आज भी ये उम्मत में इख्तलाफ पाया जाता है ये भी बात होती है कि जो मुसहफ में लिखा हुआ है वो मखलूक है कि गैर मखलूक है इस तरह की बातें लोग करते हैं जबकि हर वो बात हर वो चीज जो अल्लाह रबीन का कलाम है वो गैर मखलूक है हर वो चीज़ जो अल्लाह रबालमिन का कलाम है वो गैर मखलूक होगा चाहे वो कहीं भी लिखा जाए कहीं भी हो एक आदमी के सीने में रहे तब भी वो अल्लाह का कलाम है कोई आदमी किसी को पढ़ के सुनाए तब भी वो अल्लाह का कलाम है हर हाल में अल्लाह रबाल आलमिन का कलाम रहेगा अल कलाम और इन कलाम जो कलाम है इन नमायूज़ाफ इलाम जो उसको शुरू में कहता है उसकी तरफ मंसूब किया जाता है ला इलामन इलाम उसकी तरफ मंसूब नहीं किया जाता जो पहुंचाने के तौर पर यानी जो तबलीग के तौर पर बयान करे उसको उसकी तरफ कलाम की निस्बत नहीं कही जाएगी मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमायान नमलुबिनिया अब ये बयान कौन कर रहा है मैं इस वक्त बयान कर रहा हूँ लेकिन बात किसकी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह के रसूल ने फरमाया हम निस्बत किसकी तरफ करते हैं अल्लाह के रसूल वसल्लम की तरफ करते हैं इसी तरह जब अल्लाह ने कुरान को बात किया कलाम का अपने the the ने का किया जब कुरान जब अल्लाह आलमीन से जाहिर हुआ कलामुल्ला के तौर पर तो उस वक्त क्या कहा जाएगा है? कि कुरान क्या है अल्लाह आलमीन का कलाम है गर्चे उसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कराए गरचे मोहम्मद वसल्लम ने हम तक पहुंचाया लेकिन उसकी नस्बत किसकी तरफ की जाएगी अल्लाह आलमीन ही की तरफ की जाएगी Allah और हकीकत में जो ईसाल होता है वो पहुंचाने का पहुँचाने का काम रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने और अलैहि सलाम ने क्या किया है सिर्फ पहुँचाने का काम किया है वो अल्लाह के वसल्लम का कलाम नहीं है ना सलाम का कलाम है आलमीन फरमाता है अलैहि वसल्लम उसे पहुंचा दीजिए माउन मिन रब्बिक जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ उतरा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कुरान नाजिल हुआ है लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या काम दिया आपकी जिम्मेदारी है सिर्फ पहुंचाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक दफा अल्लाह के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निस्बत की और कहा इनक रसूल करीम कि यकीनन ये रसुल करीम रसूल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है मा हुआ बिकौल शायर ये किसी शायर की बात नहीं कली लम्मा तुम तुम कितना ही कम ईमान लाने वाले हो इसी तरह एक दफा अल्लाह अल्लाहबालमी ने नस्बत किसकी तरफ की जबराम की तरफ की कहा इन नकौल और रसुलन करीमतिन तो इस आयत में अल्लाह अल्लाबी ने नस्बत जिब्रम की तरफ की और पिछली आयत में अल्लाह मेंबालमी ने निसबत रसूल अक्रमल्म की तरफ की अगर कुरान अल्लाह के रसुल्लाम की बात होती है या जबरी की बात होती तो किसी एक की तरफ नस्बत की जाती लेकिन अल्लाह रबालमी ने दोनों की तरफ नस्बत की यह बताने के लिए कि इन लोगों ने पहुंचाया है

ये जो पढ़ता है, पढ़ता है ये अल्लाह आलमीन की तरह अल्लाह ने कलाम वैसा ही है हम कहेंगे नहीं कलाम अगर कोई कहे की जो को पढ़ता है वो वैसा ही पढ़ता है जैसा कि अल्लाह ने पढ़ा जैसा कि अल्लाह ने कलाम किया जैसा कि अल्लाह ने बात किया तो हम कहेंगे नहीं बल्कि कारी जो है सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को पहुंचाने का काम कर रहा है वो अल कलाम इन सब इलाम और कलाम की नस्बत उसकी तरफ की जाएगी जिसने इब्तदान कहा है ला इलामन उसकी तरफ नहीं की जाएगी जिसने पहुंचाने के तौर पर और अदा करने के तौर पर कहा है तो जो कारी हम तक कुरान को पहुंचाता है वो हकीकत में किसका कलाम होता है कारी का कलाम नहीं है ना अकरम का कलाम है बल्कि वो कलाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का इसी तरह तीसरा कायदा कलाम के तलु से कि अल्लाह लम यज़ल मुतकलमन इजा शाहमा शाह रबीन बराबर कलाम करता है रब्बुल रबालमिन के कुदरत है कि वो कलाम करे रबालमिन की सिफत है और जब चाहता है अल्लाह रबालमिन कलाम करता है बिमा जो चाहता है रब्बुल रबालमिन कलाम करता है जिस भी जुबान में अल्लाह रबालमिन चाहता है कलाम करता है बात करता है इससे पता चला की जो अल्लाह रब्लामीन की सिफत कलाम है ये सिफत जदात भी है और सिफत फैली भी है सिफत जदात किस तरह से अल्लाह रबालमीन जब चाहे बात करने की ताकत रखता है अल्लाह रबिन इब्तिदा से ही अल्लाह रब्लम के अंदर ये सिफत मौजूद मौजूद है और हमेशा से हमेशा रहने वाली है इसी तरह से दूसरी चीज़ सिफत फेली किस तरह से हुई कि अल्लाह रब्आमिन जब चाहता है और जिसके अंदर मशीयत आ जाए हमने देखा था कि हर वो चीज़ जिसके अंदर मशीयत आ जाए अल्लाह रबालमिन की चाहत आ जाए तो क्या हो जाएगी अल्लाह रब्लमिन की सिफत फेली हो जाएगी और अल्लाह रब्लम जब चाहता है जैसे चाहता है बात करता है और ये अल्लाह अल्हबुल की सिफत है और ये सिफत अल्लाह रबीन के अंदर ही पाई जाती है लिया था और उसकी पूजा करने लगे तो रब्बुल रबीन ने उन्हें डांटते हुए कहा कि क्या वो लोग नहीं देखते कि बात भी नहीं कर सकता और ना उन्हें सीधी दिखा सकता है तो कैसे वो लोग उसकी पूजा करने लगे इससे क्या पता चला कि हकीकी जो खालिक है हकीकी जो मालिक है उसके अंदर वो मुकम्मल तौर से कादिर होता है जहामिया और मोतजिला ने जो कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक सिफत से खाली कर दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर इल्ज़ाम लगाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बात नहीं कर सकता कलाम नहीं कर सकता अल्लाह रब्बुल आलमीन को गूंगा और बहरों की तरह बना दिया बिल्ला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह से नहीं है हमारा रब जो है बात कर सकता है हमारा रब जो है वो बंदों को हिदायत देता है बंदों को सीधी राह दिखलाने वाला है और वही अल्लाह आलमीन ने सलाम के कौम को भी डांटते हुए कहा अलम क्या उन लोगों ने नहीं देखा अन्नहु ला वला सबीला। के बछड़ा ना उनसे बात कर सकता है ना उन्हें सीधी राह दिखा सकता है कैसे लोग उसकी पूजा करने लगे कैसे इबादत करने लगे इसी तरह से अल्लाह आलमीन ने रब्बु कि जब सलाम हमसे मुलाकात के लिया और उनके रब ने उनसे बात किया तो उस वक्त सलाम ने क्या कहा मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर भी मूसा से के बारे में अल्लाह रब्बुल रबूल ने बताया कि मूसा से अल्लाह रब्बुल रबालमी ने कब बात किया हमेशा से नहीं बात कर रहे हैं इजाजा जब चाह अल्लाह रबालमी ने जब चाह जब अल्लाह रब्बालमिन की मशीयत हुई उस वक्त अल्लाह रबी ने मूसा मिसालाम से बात किया मूसा इस्लाम जब आए उस वक्त अल्लाह रब्बू आलमिन की चाहत हुई उनसे बात करने की और अल्लाह रब्आलमी ने बात किया वह इमां शाह और जो चाहता है बात करता है इब्रानी जुबान में हिंदी जुबान में जो भी जुबान में अल्ला रबालमिन चाहे बात कर सकता है जलील बिन और किसी चीज को भेजना चाहता है वही नाजिल करना चाहता है वही करता है वही उतारता है वही भेजता है अपनी वही बंदों पर नाजिल करता है जब चाहता है तो यहाँ पर भी अब मसूद अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी तुमने कहा कि अल्लाह किबालमिन ने जब भी वही का इरादा किया अपने बंदों पर वही किया है इसी तरह से अगला कायदा हम देखते हैं कि कलाम बिहार वीन हमने जो पहला कायदा देखा था उसी से ताल्लुक रखता हुआ यह कायदा है मुसम्मल कलाम व माना जमीन की कलाम लफ्ज और माना दोनों मिलकर होता है इसी तरह से कलाम कलाम उल्ला बिहार वसौतीन कायदे को वाजे करता है कि अल्लाह का कलाम जो है हर्फ और सौत के साथ है अल्लाह का कलाम ऐसा नहीं कि सिर्फ आवाज ही पाई जाती है, बल्कि उसके हर्फ भी पाया जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पाया जाता है, आवाज नहीं बल्कि अल्लाह आलमीन के कलाम के अंदर हर्फ और आवाज दोनों पाई जाती है अल्लाह फरमाता है वहजील और आलमीन के कुरान क्या है आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ है नजरम

पनाह तलब करे तुमसे कि तुमसे जंग में पनाह चाहे फाजीर उसको पना दे दो हता कलाम्ला कलाम सुन ले अब कोई चीज कोई कब सुनेगा जब क्या होगा उसके अंदर हरूफ पाए जाएंगे तभी वो आदमी सुनेगा तभी वो समझेगा तो यहाँ पर क्या पता चला कि अल्लाह रबीन का कलाम हरूफ से मुकव्वन है हुरूफ से मिला हुआ है इसी तरह से इस बात की दलील कि अल्लाह रबीन के कलाम के अंदर आवाज़ भी है अल्लाह रबीन ने फरमाया वो अन अख्तर तुका फस्तम लिमायुहा कि मैंने तुम्हें इख्तियार कर लिया मुसालाम मैंने तुमको चुन लिया है, है फस्तमयुहा तो जो भी वही तुम्हारी तरफ की जा रही है उसको गौर से सुनो अल्लाह रबालमी ने मुसालाम को क्या हुक्म दिया सुनने का और कोई आदमी कब सुनेगा जब उसके अंदर सौत होगी आवाज होगी तब हम उसे सुन सकते हैं इसी तरह से तो ये वाज ये ये आयत वाजे करती है कि अल्लाह रब्बालमीन के कलाम के अंदर हर्फ भी पाया जाता है जैसा कि हमने पिछली आयत में देखा और आलमीन के कलाम के अंदर सौद भी है आवाज भी है जब कायदे हम समझ लेंगे तो हमें कुरान के तालुक से जो जो आगे आगे कायदे आने वाले आगे जो आने वाले वाले हैं, हैं कुरान के तालुक से, वो हमें समझने में आसानी होगी अब्दुल्ला बिन मसूद रजील का वही कौल की जब फरिश्तों को सुकून हो जाता आलमीन की आवाज थमती है और फरिश्तों को जो घबराहट होती है उससे सुकून मिलता है तो सवाल करते हैं तुम्हारे रब ने क्या कहा आलू अल हक तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह अल्लाहबा ने हक कहा तो फरिश्ते सुनते हैं अल्लाह अल्लाहबा की आवाज को सुनते हैं और समझते हैं और समझा कब जाएगा जब उसके अंदर हरूफ पाए जाएंगे उसके अंदर मानी पाई जाएगी और सुनेंगे कब जब उसके अंदर आवाज पाई जाएगी इसी तरह से अगला कायदा कि कलाम उल्लास बिलमत बहुत अहम कायदा है अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम के अंदर दर्जा पाया जाता है कोई ऊंचे दर्जे की बात होती है कोई नीचे दर्जे की बात होती है कोई उससे नीचे दर्जे की बात होती है लेकिन किस एतवार से बिहसबिल बिलमत फी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बात करता है उस एतबार से मुतकलम के एतबार से बात करने वाले के एतबार से कलाम के अंदर कोई तफावत नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सूरह लहब नाजिल की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इसका कलाम किया इसके इसको अपने से जाहिर किया बात किया तो उस वक्त भी क्या था सुरे लहब सुरे लहबलास एक ही दर्जे में है मुतकलम के एतबार से लेकिन मुतकलम के अतबार से जो बात अल्लाह अल्लाहबालमी ने कही है उस बात के एतबार से दोनों के अंदर फ़र्क पाया जाता है सुरे लहब उसका दर्जा कम है सुरे सुरे इखलास उसका दर्जा अल्लाह अल्हबुलमी ने बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी फजीलत बताई इसकी दलील कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सईद बिन मोहल्ला कहते हैं मस्जिद कि मैं मजिद रसूल में नमाज पढ़ रहा था रसूल फल अल्लाह के रसोलम ने मुझे बुलाया और मैं नमाज में ही मशगूल था मैंने जवाब नहीं दिया तो या इन्नी तो मैं गया नमाज पढ़ रहा था इसलिए आपकी आपकी आवाज पर लबैक नहीं कह सका तो उस वक्त अल्लाह के रसोल ने कहाकुल्लाब आलमी ने यह नहीं फरमाया

सुम्मा अख़दा अबी फिर अल्लाह के वसल्लम ने मेरे हाथों को पकड़ा आरदाज फिर जब मैं निकलने का इरादा किया फकुल तो, तो मैंने कहा अलम तकुल क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझे एक ऐसी सुरे सिखाएंगे जो कुरान में बड़े दर्जे की है फकलाम तो ने कहा अलहमद रबी वाली अलहमदिल्लाबीन यही वो सुरेफ आतिया है जो मैं तुम्हें बताने वाला था कि सात आये हैं और यही कुरान अजीम है जो मुझे दिया गया है तो यहाँ पर हम देखें कि अल्लाह के रसूल रसोलम ने इसका दर्जा ऊंचा बताया है कि ये आजम सुरह है सबसे बड़े दर्जे की सुरे, सुरे फातिहा है इसी तरह उबे बिन काब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल रसोल ने एक दफा कहा अतदरी आयत मिन कहां किताब्ही का आजम कि तुम्हारे साथ जो अल्लाह आलमीन की किताब में जो आयतें हैं उनमें सब में अजीम आयत कौन सी क्या तुम्हें पता है फुल तो अल्लाह वो रसूल वो आलम तो मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं

ले ले इल्म ये इल्म मुबारक होल्लाबी ने तुम्हें बड़ा अदा किया है तो यहाँ पर हम देखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजे किया कि कुछ आयतें होती हैं कुछ ऐसी सूरतें होती है जो बड़े दर्जे की होती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम उसके अंदर तफावत पाया जाता है दर्जात पाए जाते हैं लेकिन किस एतबार से मुतकलम के एतबार से जो अल्हबुलमिन ने कलाम किया है उस एतबार से लेकिन मुतकलम के एतबार से कोई तफावत नहीं है के बारे में तो उस वक्त सहाबी जलील का हम, सहाबी जलील उबई बिन उन्होंने क्या बताया किसलम ने उनसे कहा था कि ये कुरान में क्या है आयतल कुर्सी सब में बड़े दर्जे की सुरे है इसी तरह अब्दुल्ला बिन अब्बास रजीबल के कि हम जो भी आयत मनसूख करते हैं या जो भी जिसे हम खत्म करते हैं ना पिछली आयतू थी थी? किया वो भी अल्लाह का कलाम था लेकिन ने क्या कहा? ना आती मिन्हा। हम जो बाद में जिक्र करते हैं उससे बेहतर दर्जे की होती है तो अल्लाह रबीन के कलाम के अंदर मुतकलम केतबार से यानी जो अल्लाह रबीन कह रहा है उसके एतबार से तफावत पाया जाता है दर्जा पाया जाता है ये <SussALLY> पांच कायदे हमने देखे अल्लाह अबूमिन के कलाम की सिफत के ताल्लुक से रखते थे ये पांच थे।, थे हकीकत में कहेंगे कि पांच जब हमने देखे जो अल्लाह अब्बू आलमिन कलाम की सिफत से ताल्लुक रखते थे और ये कायदा हमें बताता है ये जो पांच कायदे हमने देखे जहमी का एक तरह से रद्द करता है जब हम उनके हकीकत को जानेंगे कि उन लोगों ने किस तरह से कुरान को मखलूक साबित किया अल्लाह को कलाम की सिफत से आरी किया कि अल्लाह रबुलामिन कलाम नहीं कर सकता बात नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर हुर्फ पाया जाता है आवाज जरूरी है और अल्लाह रबी को उन लोगों ने गूंगा बना दिया तो उन लोगों ने क्या कहा कि अल्लाह अल्लाहबीन बात नहीं कर सकता कलाम नहीं कर सकता ये अल्लाह रबुलामिन की सिफत नहीं है मखलूक है इसी तरह से उन लोगों ने कई अल्लाह रबुलामिन के जब उन लोग उन लोगों ने कहा कि अगर अल्लाह का कलाम है तो हर चीज बराबर होनी चाहिए हर चीज बराबर होनी चाहिए किसी के अंदर ऊंच नीच नहीं पाई जानी चाहिए लेकिन सल्फ का हादिस जब हम देखते हैं कुरान के आयतें हम देखते हैं तो वहां से होता है कि अल्लाह अब्लमिन इसके अंदर मुतकलम के एतबार से कोई फर्क नहीं है मुतकलम के एतार से कोई फर्क नहीं है बात करने वाला अल्लाह अबीन है लेकिन मुतकलम के एतबार से फर्क पाया जाता है यानी जो अल्लाह अब्बू आलमिन ने बात कही है उसके अंदर दर्जात पाए जाते हैं तो ये चंदे हम हमने देखे जो अल्लाह अबू आलमिन के कलाम से ताल्लुक रखते थे और इंशाल्लाह आगे जो हम कायदे देखेंगे जो कुरान से ताल्लुक रखने वाले हैं तो उसमें चीजें हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही बात को समझने और उस फहम को अपनी जिंदगी में दाखिल करने की तौफीक अता फरमाए हमें गुमराही से बचाए आमीन वा अखरु दावान अल हमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم वदउल्लाहा वदउर रहमान أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا الدين النصيحة الدين خير كلام